आदाब से, मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं फोर टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जारी असेंबली इजलास में तेलंगाना खरारदाद को मंजूर करना नामुमकिन, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान। असेंबली के मानसून इजलास का पहला दिन शोर वुल और हंगामा आराई की नजर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा की रैली के दौरान तशद्दुद, पुलिस पर संगबारी। हुकूमत मजलिस के हाथों का खिलौना बन चुकी, सदर बीजेपी किशन रेड्डी का रिमार्क। और सलाला बारकस के एक मुकाम से 12 तोले जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। और अब खबरें तफसील से। चांद नजर आ गया है, मंगल को यकुम ज़िकाद होगी। रोयत हिलाल कमेटी व सदर मजलिस उलमाए दकन की सदारत में मुनक़दा इजलास में यह ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी ने वाज़े किया है कि रियासती असेंबली में अलहदा तेलंगाना पर खरारदाद को मंजूर करना नामुमकिन नहीं है। असेंबली की कार्रवाई के मुलतवी होने के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि असेंबली में सीमा आंध्रा के अरकान की तादाद ज्यादा है, अगर असेंबली में तेलंगाना खरारदाद पेश भी की जाती है तो उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला ने ताहम इस उम्मीद का इजहार किया है कि रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत जल्द कोई फैसला लेगी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि माजी में इस मसले पर बातचीत और तमाम वाकयात का रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत के पास मौजूद है और इस मसले पर रियासत की सियासी जमातों में इत्तेफाक राय भी नहीं है, इसलिए इस पर खरारदाद पेश करने की गुंजाइश भी नहीं है। बाबली मसले से मुतालिक पूछे गए सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत से बात करते हुए इस मसले की यकसोई की जाएगी और उस पर अदालत से रुजू होने की जरूरत नहीं है। वजीर आला ने वाजे किया है कि सब्सिडी कीमत पर पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराही में कमी और डीजल की कीमत में इजाफे के बोझ को हुकूमत बर्दाश्त करने के मौकफ में नहीं है। रियासती असेंबली के मानसून इजलास के आगाज का पहला दिन शोरगुल, जय तेलंगाना के नारों और हंगामा आराई की नजर हो गया है। कौमी तराने के साथ पहले दिन की कार्रवाई का आगाज हुआ। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने तेलुगुदेशम की जानिब से बरखी सूरतेहाल, टीआरएस की अलाहदा तेलंगाना पर खरारदाद पेश करने, मजलिस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से फीस बाजदायगी, जबकि बीजेपी, सीपीआई और नागम जनार्दन रेड्डी की जानिब से 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के मुतालबे को लेकर पेश की गई तहरीकात इल्तवा को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही ऐवान में शोरगुल और हंगामाराई के मनाजिर देखे गए। तमाम अपोजिशन जमातें अपने अपने मुतालबात पर तहरीर करदा प्ले कार्ड्स को लेकर स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। मुसलसल शोरगुल को देखते हुए स्पीकर एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। समस्या पैना मन चर्च की मन अमति
में अनुमति चाहूं हाउस एडजर्न टू मीट एट 10 AM। बाद अज़ां जब इजलास का दोबारा आगाज हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए बरकी मसले पर मुख्तसर मुबाहस का ऐलान किया, लेकिन TRS और BJP के अरकान की दोबारा हंगामाराई की वजह से इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास जब तीसरी बार शुरू हुआ तो स्पीकर ने कई बार TRS अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने और बरकी मसले पर मुबाहस में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की। स्पीकर ने BSC इजलास में तय पाए एजेंडे का हवाला भी दिया, लेकिन TRS अरकान अपने मौकफ पर डटे रहे और तेलंगाना पर खरदार पेश करने का मुतालबा करने लगे। TRS अरकान के मुसलसल शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इस दौरान रियासती हुकूमत ने ऐवान असेंबली में बरकी सरबराही से मुतालिक बयान जारी करते हुए बताया कि रियासत में बरकी तलब में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। बयान के मुताबिक सितंबर 2012 में यौमिया 264 मिलियन यूनिट बरकी की तलब दर्ज की गई है, जबकि गुज़िश्ता साल 249 मिलियन यूनिट बरकी इस्तेमाल हुई थी। बयान में यह भी कहा गया है कि जारिया साल अप्रैल से अगस्त तक बरकी की तलब 40,148 मिलियन यूनिट थी, जबकि गुज़िश्ता साल 35,945 यूनिट इस्तेमाल की गई थी। इसी तरह जारिया साल बरकी की तलब में 11.9% का इजाफा हुआ है। बरकी तलब को देखते हुए हुकूमत औसतन यौमिया 1300 मेगावाट बरकी खरीद रही है। हुकूमत ने बताया कि बरकी हुसूल में मुश्किलात के बावजूद भी ज़रई शोबे को 7 घंटे मुफ्त बरकी सरबराह की जा रही है। हुकूमत के बयान में यह भी कहा गया है कि रियासत में बरकी की तलब को देखते हुए हुकूमत ने दरमियान मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबे तैयार किए हैं और आइंदा 4 सालों के लिए बरकी तकसीमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। रियासती असेंबली के मानसून इजलास के पहले दिन अपोजिशन जमातों के अरकान मुख्तलिफ अंदाज में असेंबली पहुंचे। कोई पैदल, कोई बैलबंडी तो कोई रक्षा के जरिए असेंबली पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट। अहम अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम के अरकान पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू की क्यादत में रैली की शक्ल में असेंबली पहुंचे। रैली के दौरान तेलुगुदेशम अरकान असेंबली अपने हाथों में कंदिल और प्लेकार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर बरकी बहरान, फीस बाजदागी और किसानों के मसाइल से मुतालिक एहतजाजी नारे तहरीर किए हुए थे। वैसा कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी की क्यादत में पार्टी अरकान असेंबली बैलबंडी और रिक्शों पर असेंबली पहुंचे। खातून अरकान असेंबली बैलबंडी पर सवार थी, जबकि बी श्रीनिवास रेड्डी और बाबू राव डीजल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए रिक्शों पर असेंबली पहुंचे। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने यूपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मीडिया से बात करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी असेंबली में अवामी मसाइल को पूरी शिद्दत के साथ उठाएगी। TRS के अरकान असेंबली ने हमेशा की तरह गनपार पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खराज पेश करने के बाद रैली की शक्ल में असेंबली पहुंचे। बाजरकान अपने हाथों में कौमी परचम भी थामे हुए थे। TRS के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि TRS अलहदा तेलंगाना करारदाद को असेंबली में पेश करने और 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के मामले को उठाएगी। अधिकारिक सितंबर 17 नाड़ प्रभुत्व में जातीय जंडा नगरवेसी स्वतंत्र वेड जब्ता उठे समैक्य राष्ट्रीय 10 जिल స్వతంత్ర వేడుకలు జరుపుకునేటువంటి భాగ్యం లేదు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా కర్ణాటక మాదిరిగా మహారాష్ట్ర మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా స్వతంత్ర వేడుకలు జరపాలని చెప్పి ఎన్నిసార్లు డిమాండ్ చేసినా
ఈ పాలకులకు మాత్రం చెవి మీద పేను వారదు ఈ పాలకులకు మాత్రం సోయి రాదు बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी फ्लोर लीडर ई लक्ष्मी नारायणा और श्रीनिवास ने कौमी परचम के साथ गनपार पहुंचकर खराज पेश किया। किशन रेड्डी ने इस मौके पर 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा किया। टीआरएस के कारकुनों की जानिब से असेंबली में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। टीआरएस के कारकुन मोटरसाइकिल पर पहुंचे और असेंबली में दाखिल होने की कोशिश करने लगे, ताहम वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों की जानिब से मजाहमत की कोशिश करते हुए जय तेलंगाना के नारे लगाए गए। पुलिस ने टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकल कर दिया है। असेंबली इजलास की कार्रवाई को मुलतवी किए जाने के बाद तेलुगुदेशम अरकान असेंबली ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर की खियामगा के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम कायदी ने इल्जाम लगाया कि अवामी मसाइल पर मुबाहस से हुकूमत फरार इख्तियार कर रही है और स्पीकर बिलरास तौर पर हुकूमत की मदद कर रहे हैं। बाद में पुलिस ने एहतजाजी तेलुगुदेशम कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकल कर दिया। बीजेपी की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए बशीरबाग से एक रैली निकाली गई। ट्रैफिक पुलिस ने एहतजाजियों को असेंबली जाने से रोकते हुए उनकी मोटरसाइकिलें जब्त कर ली, जिस पर एहतजाजियों और पुलिस में धक्कमपेल शुरू हो गई। डीसीपी की मौजूदगी में पुलिस को एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए एक घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन के वफद ने सदर पीसीसी बी सत्यनारायण से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि सदर पीसीसी से 23 तारीख को मुनक़िद होने वाले इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने दोनों इलाकों के कायदीन का अलहदा अलहदा इजलास मुनक़िद करने की दरख्वास्त की है ताकि दोनों इलाकों के अवाम के मसाइल का जायजा लिया जा सके। सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से दोनों इलाकों के कायदीन के अलहदा इजलास तलब किए जाने की तजवीज़ को आलाकमान से रुजू करने का इशारा दिया है। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायणा ने कहा कि आलाकमान की इजाजत मिलने के बाद ही इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। ताहम उन्होंने यह भी वाजे किया है कि उसे यह नहीं समझना चाहिए कि इजलास मुलतवी किया गया है। अगर इस सिलसिले में आलाकमान फैसला करती है तो उसे सभी को कबूल करना होगा। सुमानी यूनिवर्सिटी कैंपस में 17 सितंबर को यौम नजात मनाते हुए रैली की शक्ल में असेंबली जाने तेलंगाना विद्यार्थी परिषद से वाबस्ता तलबा की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को यौम नजात मनाते हुए उस्मानी यूनिवर्सिटी तलबा ने यूनिवर्सिटी कैंपस में आर्ट्स कॉलेज के पास कौमी परचम लहराया। बाद में असेंबली की इमारत पर कौमी परचम लहराने के लिए रैली की शक्ल में निकल पड़े, ताहम पुलिस ने तलबा को एनसीसी गेट के पास ही रोक दिया। इस मौके पर तलबा की जानिब से पुलिस पर संगबारी की गई। मुसलसल संगबारी के बाद पुलिस ने तलबा को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बास तलबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से तलबा की गिरफ्तारी के दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार भी देखी गई। कैंपस में हालात को कशीदा देखते हुए पुलिस के ज्यादा दस्तों को तैनात कर दिया गया है। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर ने पीर को रियासी वजीर आईटी पुना लक्ष्मया से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुना लक्ष्मया ने बताया कि आईटी हार्डवेयर और आईटी आईआर के अलावा दिगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में आईटी शोबे को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर ने रियासत में आईटी के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम की सताइश की। खबरों का सफर जारी है, हाजिर होते हैं कुछ ही पल में।